टफ एग्जामिनेशन की मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि फर्स्ट सेमेस्टर के अलावे दूसरे सेमेस्टर अंत को छोड़ करके हम लोग प्रमोशन देंगे। तो सेकेंड थर्ड इन सबको प्रमोशन देने का आधार मेरे पास पिछला रिजल्ट है, पहले का रिजल्ट है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को प्रमोट करने के लिए, बच्चों को प्रमोट करने के लिए मेरे पास कोई बेस नहीं है। तो माननीय कुलपति महोदय ने बोर्ड में और जो सदस्य लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि उन लोगों का जो इंटरनल मार्क्स है तो उसके आधार पर हम लोग इसका प्रमोशन की बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं दोनों के इंटरनल मार्क्स में नेचुरली कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए तब हम लोग कोई डिसीजन लेंगे कि इस पर क्या करना है। उसमें अभी तक 6 तारीख तक हम लोगों ने उन लोग को डेट दिया था सभी महाविद्यालयों को कि अपने अपने इंटरनल मार्क्स को आप लोग यूनिवर्सिटी को भेजें, लेकिन उसमें से 4-5 ऐसे महाविद्यालय हैं जो अभी तक उस इंटरनल मार्क्स को मुहैया नहीं कराया है। तो सारे जब एक साथ चले आएंगे तभी हम लोग बैठ कर उससे समीक्षा कर सकते हैं। फिर जब हमारे माननीय कुलपति महोदय आएंगे तो उनके साथ बैठ करके फिर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की मीटिंग हम लोग बुलाएंगे और उसमें इस पर डिसाइड होगी, इसमें समीक्षा ली जाएगी कि क्या करना है। लेकिन बच्चों के हित में हम लोग का झुकाव है कि उनको प्रमोशन दिया जाए, ये झुकाव है। यही बात मैं बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहा था कि इसमें ये प्रक्रिया है, विश्वविद्यालय की प्रक्रिया है, इसमें कम से कम 2 दिन समय लगेंगे और लगने के बाद ही हम लोग मैं समझता हूँ कि 10 तारीख को मैं हम लोग इसको आइदर वेबसाइट पर और इंडिविजुअल ईमेल पर मैं बच्चों को सूचित कर दूंगा। जैसा कि रजिस्ट्रार ने भी कहा कि वह छात्रों का हित चाहते हैं और उन्होंने कहा कि छात्रों को वह 10 सितंबर का समय दिए हैं, इस वक्त तक वह सभी छात्रों को प्रमोट कर देंगे। इस निर्णय के बाद प्रदेश भर के 8,000 इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के छात्रों को लाभ मिलेगा।